बैक हैंड स्प्रिंग, जो कि एक बैकवर्ड जिम्नास्टिक मूवमेंट है। इसको अगर आप लोग सीख लेते हो तो इससे आप लोग पीछे घूमने वाला जितना भी स्टंट होता है वो आप लोग आसानी से सीख सकते हो। और काफी सारे भाई लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि मेरा बैक वॉल कवर कंप्लीट है बट मैं बैक हैंड स्प्रिंग नहीं कर पा रहा, और मैं बैक लिम्बर भी कर लेता हूँ फिर भी मेरा बैक हैंड स्प्रिंग नहीं हो रहा। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं तो पूरा बैक हैंड स्प्रिंग अभी क्लियर नहीं कर पाता हूँ, फिर भी आप लोग जब बोल रहे हो तो आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, जो कि एक ट्यूटोरियल टाइप तो नहीं होगा बट ये गाइड वीडियो होगा, जिससे आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि बैक हैंड स्प्रिंग को स्टार्ट कैसे करना है और इसमें डर कैसे भगाना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बैक हैंड स्प्रिंग को सीखने के लिए हम लोगों को तीन चीजें आना जरूरी है, जिसमें से पहला है बैक वॉल कवर, दूसरा है बैक लिम्बर और तीसरा है मंकी फ्लिप। ये तीनों चीज आप लोग अगर कर लेते हो तो इससे आप लोगों का हाथ बहुत मजबूत हो जाएगा और आप लोगों का माइंड मेमोरी और मसल मेमोरी में ये बैठ जाएगा कि किस तरीके से हम लोग बैकवर्ड मूवमेंट करेंगे, और आप लोगों को डर भी कम लगेगा इसको स्टार्ट करने में। ये तीनों चीजों में मैं वीडियो बनाऊंगा बट आप लोगों के डिमांड से मैं पहले ही बैक हैंड स्प्रिंग के वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, और आप लोगों को अगर ये तीन चीजें आता है तो आप लोग आसानी से बैक हैंड स्प्रिंग को सीख लोगे। दोस्तों अगर आप लोगों के पास सेफ्टी प्लेस होगा तो आप लोगों को इसे और भी आसानी से सीख सकते हो, और अगर आप लोगों के पास सेफ्टी प्लेस नहीं है तो टेंशन लेने का कोई बात नहीं, क्योंकि मैं लास्ट में उसका भी सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहे। तो दोस्तों सबसे पहले जिसके पास सेफ्टी प्लेस है वो कैसे बैक हैंड स्प्रिंग को प्रोग्रेस करने वाला है उसको पहले देखते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के पास जो भी सेफ्टी प्लेस है उसमें ही आप लोगों को ये स्टेप करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को बैक रोल करना है, सिंपल बैक रोल जो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। आप लोगों को धीरे धीरे बैक रोल को बहुत तेजी के साथ करना है। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा जंप ऐड कर देना है बैक रोल में। देखिए मैं करके बताता हूँ आप लोगों को कुछ इस प्रकार, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। आप लोगों को इसी वाले स्टेप को ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करना है, जिससे आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि बैक हैंड स्विंग में कब आप लोगों को जंप करना है। वैसे तो बैक हैंड स्विंग में जंप नहीं होता, हाथों का स्विंग ही आप लोगों का बॉडी को घुमा देगा, बट आप लोग जब इसे पहली बार सीख रहे हो तो आप लोगों को इसे जंप करके ही सीखना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को बैक रोल करते समय ट्राई करना है कि आप लोगों का पीठ आने से पहले हाथ आ जाए ग्राउंड में। देखिए स्लो मोशन में कि मेरा हाथ कैसे सबसे पहले आ जा रहा है पीठ से भी पहले। ये स्टेप को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसी से आप लोगों का डर खत्म होगा। उसके बाद आप लोग जब बैक रोल में जंप करोगे तो उसी वक्त ही आप लोगों को अपना बॉडी को आर्च बना देना है, जिससे आप लोगों का बैक हैंड स्प्रिंग कुछ इस प्रकार आएगा। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अगर ये स्टेप कर लेते हो तो आप लोगों को लगेगा कि ये एकदम बैक हैंड स्प्रिंग ही है। ये स्टेप को करने में आप लोगों का हेड ग्राउंड में टच हो सकता है, जिसके लिए सेफ प्लेस होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को थोड़ा बहुत जंप करना है, आर्च करना है, और हाथों को बेंड ना करते हुए हाथों को सीधा रखना है और बैक हैंड स्प्रिंग को करना है, जिससे आप लोगों का हेड ग्राउंड में धीरे धीरे टच नहीं होगा और आप लोग बैक हैंड स्प्रिंग को बिना ग्राउंड में हेड टच किए कर पाओगे, और आप लोगों का बैक हैंड स्प्रिंग बैठे बैठे होने लगेगा। देखिए कुछ इस प्रकार आप लोग बैठे बैठे बैक हैंड स्प्रिंग को आराम से कर लोगे। उसके बाद आप लोग बैक हैंड स्प्रिंग को कैसे इम्प्रूव करोगे ये तो मैं किसी एक और वीडियो में बताऊंगा, तब तक के लिए आप लोग बैठे बैठे बैक हैंड स्प्रिंग को ही प्रैक्टिस करो। और दोस्तों जिनके पास सेफ्टी प्लेस नहीं है उन लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग बैक हैंड स्प्रिंग को मंकी फ्लिप से ही प्रोग्रेस करें। क्योंकि दोस्तों मंकी फ्लिप से आप लोगों को कोई भी इंजरी होने वाला नहीं है और उससे आप लोगों को डर भी कम लगेगा, बट आप लोगों को उससे थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है सीखने में, पर आप लोग अगर डेली प्रैक्टिस करते हो तो एक ना एक दिन आप लोग बैक हैंड स्प्रिंग को सीख लोगे, चाहे वो सेफ्टी प्लेस हो और चाहे वो हार्ड प्लेस में भी क्यों ना हो। तो दोस्तों ये था आज का बैक हैंड स्प्रिंग का छोटा सा गाइड वीडियो। अगर आप लोग मेरे वीडियो के टिप्स से बैक हैंड स्प्रिंग को सीख जाते हो
तो मेरे वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कर देना, और इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। बाय।